अनुमंडल शांति समिति एवं चौक थाना शांति समिति की ओर से चैती छठ पर्व को लेकर पटना सिटी के कंगन घाट, मिर्चाई घाट, खाजेकला घाट पर छठ व्रती महिलाओं एवं उनके परिजनों के लिए किए गए व्यवस्था को देखने शांति समिति के सदस्य राम जी, योगेश, अंजू सिंह, विनोद कुमार ने घूम घूम कर जायजा लिया और प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम से रूबरू हुए। वहीं शांति समिति के सदस्य राम जी योगेश ने कहा कि चैती छठ को लेकर शांति समिति के सदस्य छठ व्रती महिलाओं के सुविधाओं के लिए तत्पर हैं तथा प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग में सभी सदस्य बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। बिहार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वो है छठ का पर्व, और छठ का पर्व जो है एक कार्तिक छठ होता है और एक हम लोगों के बिहार में चैती छठ होता है। तो जो चैती छठ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस समय जो है धूप अत्यधिक होता है और इस अत्यधिक धूप और गर्मी में भी हमारी जो व्रती हैं महिलाएं वो भूखे प्यासे रह के निर्जला इस व्रत को करती हैं। तो इसमें जो प्रशासन है, पटना जिला प्रशासन, बिहार सरकार, सबके द्वारा जो घाटों पर विशेष व्यवस्था की जाती है छठ व्रतियों के लिए, तो पटना सिटी अनुमंडल शांति समिति और चौक थाना शांति समिति की ओर से मैं और अंजू सिंह और हमारे जो हैं जो हमारे यहाँ जो पुलिस पदाधिकारी, सब लोगों ने देखा है कि यहाँ जो कंगन घाट की व्यवस्था है वो अच्छी है और व्रतियों के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से, उसके हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो यहाँ पुलिस प्रशासन है वो भी सख्त यहाँ निगरानी रखे हुए हैं, उनके द्वारा भी निगरानी बढ़ती जा रही है कि किसी तरह का कोई जो है दिक्कत किसी भी छठ व्रती या उनके परिजनों के साथ नहीं आए। सो शांति समिति की ओर से हम लोग जो है इसका निरीक्षण किए हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि व्यवस्था कैसी है, तो इसीलिए आज हम लोग कंगन घाट पर आए हैं। दो साल के बाद चैती छठ हो रहा है तो वाजिब बात है भीड़ भी ज़्यादा होगी। यह तो लाजमी बात है कि जब कोई चीज़ कोरोना काल के समय जो बंद हो गया था उसके बाद ही दो वर्ष बाद है ये खुला है, तो इसमें निश्चित तौर पे भीड़ भाड़ बढ़ेगी और लोग जो हैं ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लेंगे। तो इसमें या तो देखने की चीज़ है कि हम लोग जो हैं शांति समिति के सदस्य और पुलिस प्रशासन के लोग और भी समाज सेवीगण जो हैं वो ये ज़रूर ख्याल करें कि भीड़ भाड़ हो तो किसी प्रकार का किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इस सब पर जो है नज़र रखी जाए। और कड़ी नज़र रखने के लिए हम लोग जो है निगरानी के लिए शांति समिति के लोग इसमें सक्रिय हैं। आज चौक थाना अंतर्गत कंगन घाट पे हम लोग निरीक्षण करने आए हैं क्योंकि लोक आस्था का महापर्व चैती छठ है। यहाँ तमाम महिलाएं हमारी इसी समय सारे स्नान करने को आई हैं, कुछ लोग पानी लेने के आए हैं क्योंकि आज खरना है। तो मैं बिहार और पटना सिटी सभी व्रतियों और भक्तजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। साथ में हमारे चौक थाना ओपीटी के सुनील कुमार विश्वास जी हैं और रामजी जोगेश हैं जो पीस कमेटी के मेंबर हैं और कई लोग हम लोग के साथ में घूम रहे हैं। आज हम लोगों ने घूम घूम कर सारे जो बच्चे हैं पानी में उतर जाते हैं उन्हें मैं रोक लगा रही हूँ कि पानी से आप बाहर निकले क्योंकि खतरनाक घाट जो है जिसकी घोषणा हो चुकी है उस पर तो लोग कम संख्या में जाएंगे, लेकिन जहाँ अच्छी घाट है खतरा नहीं है उस घाट पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी। तो खासकर महिला जो है स्नान करने के बाद हम लोगों ने चेंजिंग रूम का निर्माण पटना पुलिस के द्वारा हुई है और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो है विशेष व्यवस्था की गई है, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।